चिड़ावा के नारी ग्राम पंचायत के डेडाराम की डाणी में चल रहे मुर्गा फार्म से निकलने वाले वेस्ट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। सरपंच नरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यहां होने वाले मच्छर मक्खियों से वातावरण प्रदूषित हो गया, जिससे उनका जीना दुर्लभ हो गया है। धरने की सूचना पर तहसीलदार सुरेश कुमार CI संदीप कुमार शर्मा के साथ पहुँचे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। 3 घंटे तक चली इस वार्तालाप में ग्रामीणों वह मुर्गा फार्म संचालकों के बीच प्रशासन के सामने समझाइश पर सहमति बनी, जिसमें लिखित में आश्वासन लिया गया कि 25 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। क्या मामला था, किस बात को लेकर आप लोगों ने यह धरना प्रदर्शन किया है? ये जो ग्राम पंचायत नारी में MS झुंझुनू फार्म्स के नाम से एक पोल्ट्री लेयर फार्म चल रहा था, इसमें जो वेस्ट था वो इतना अधिक था कि उसके लार्वे के कारण मक्खियाँ इतनी पैदा हो गई कि घरों में रहना दुब्बर हो गया। पंचायत में जब इसकी बात आई तो हमने SDM साहब को लिख के दिया। SDM साहब ने 4 आदमियों की कमेटी बनाई। 4 आदमियों की कमेटी का निर्णय आया कि इससे महामारी फैल सकती है। उसने धरने पर बैठने के बाद प्रशासन पालन का फार्म लगा हुआ है, तो उससे जो उसकी मुर्गी की जो बीट वगैरह है उससे गंदगी और मक्खी की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, उनका आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो रहा है। इसी संदर्भ में इनकी मांग थी कि इसको यहाँ से प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए इसको निर्देशित किया जाए, अन्यथा इसके खिलाफ उठाने की कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर के ग्रामीणवासी धरने पर बैठे थे और मुर्गी फार्म के मालिक को बुला करके उससे बातचीत की गई, तो उसने 20-25 दिन में कोई बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके और पेस्टिसाइड और दूसरे जो तरीके हैं नियंत्रण और गंदगी को नियंत्रित करने का आश्वासन दिया।